व्हाट्सअप तक की हाल चाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल शब्बू गेमर पर। तो कैसे हो भाई लोग, आ चुका है आपका भाई एक न्यू ब्रांड वीडियो लेकर। तो वैसे मैं इवेंट पे उतर चुका था और 3 किल अपने हो चुके थे और 14 किल अपने करने की तैयारी में। तो देखो ये कैसा, तो भाई यहाँ से प्यारे प्यारे अपने कहीं ना कहीं जाकर 4 किल हो चुके थे। और ऐसे ही करते 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 हम बन मानुस बन कर लेफ्ट में एक जनों दो जनों की फाइट चल रही होती, तो एक बंदा कहीं ना कहीं जाकर पिल पुला जाता है। तो मैं उन पर सीधा रस कर देता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि वो बंदा डैमेज होगा। और भाई ज़्यादा गोलियाँ तो नहीं थी, 26 गोलियों AKM के साथ एकदम बूम। तो भाई इस बंदे को मारने के बाद अपने किल हो चुके थे 5। अब अपनी बारी आती मरने की, क्यों हर बार मार गए मरोगे नहीं क्या। तो इसी भाई साहब प्यारे से कैंपर भाई साहब के साथ हम मर जाते हैं। तो भाई क्या ही बोले, यानी इवेंट पे कैंपरों का मिलना तो नॉर्मल चीज़ है। तो इस वीडियो में आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ मेरे भाई। तो देखो यार कुछ कुछ जो पॉइंट है आप लोगों को क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो वेलकम टू सभी में सभी का जो FPP मैं कॉन्करपस कर रहे हैं। और दिक्कत नहीं यार, सभी का लेग हो रहा है एंड सर्किल में, बोलते भाई यार मेरा भी लेग हो रहा, तो इंक्लूड मेरा भी लेग होता। मैं सोचता हूँ मेरे आईफोन अगर मेरा लेग हो रहा तो भाई जिन मेरे भाइयों के पास एंड्रॉयड होगा यार, 4GB RAM 6GB RAM, उनका क्या हाल हो रहा होगा, उनका भी बहुत गंदा लेग हो रहा होगा। तो भाई आप लोगों को ट्राई करना है कि टॉप 10 करने के लिए, स्पेशली टॉप 10 के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ मैं इस वीडियो में। सो ये ज़रूर देखना कि जब भी आप लोग कॉन्कर पुश कर रहे हो, आप लोगों के पास कम से कम बैक में 20-25 बैंडेज होनी चाहिए एंड सर्किल में, यानी आपको कम से कम 30 बैंडेज उठानी एक मैच में, कम से कम 4 हेल्थ किट। और आपके पास घोड़ा ना रख कर भाई बग्गी प्रिपेयर करूँगा मैं, आप लोगों को प्यारी सी व्हीकल है वो आपके पास होनी चाहिए। तो अगले वाले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी प्यारी गन हो जो भी आप यूज़ करते हो, लाइक यू नो M4 अगर स्नाइपर अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ओपन में जोन बनता है तब, बाकी नहीं तो नॉर्मली बात है कि भाई AKM हो गया एक और एक M4 हो गई, नहीं तो एक DPS हो गई बाद में एक M4 हो गया। तो आपकी जो भी एक क्लोज रेंज की गन एकदम अच्छी होनी चाहिए। और आई नो कभी कभी लगता है कि यू नो एकदम अच्छा गेम नहीं जा रहा, तो यार सबके साथ भी होता है, कभी प्लस मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी खुशी कभी गम वाला सीन है मेरी जान। तो ये गेम का पार्ट है, कभी अच्छा प्लस मिलना कभी ना मिलना। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो पीछे बंदा होता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर मैं भाग जाता हूँ। अभी हल्का हल्का सा मेरा गेम चिपक था, वो आपको दिखा होगा, मेरा भी लेग होता है यार, ऐसा कोई फंडा नहीं है कि लेग नहीं तुम्हारा लेग नहीं होता ब्रो, लेग मेरा भी होता है। तो यहाँ पर मैं बन मानुस बनकर थोड़ा ऊपर चढ़ जाता हूँ, ऊपर चढ़ के थोड़ा बंदा स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, बट काफ़ी शिद्दत के बाद यानी कोई मेरे को बंदा वगैरह तो मिलता नहीं है, तो यहाँ पे आके लेटता और सामने वाली बिल्डिंग से फायर आ रहा था तो वहाँ पे एक बंदा है, हमको कन्फर्म तो हो ही गया था तो वो भी देखता हूँ। तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी बैंडेजेस होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर मेरा टायर तो हो चुका है क्राउन। आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को आपका टायर कौन सा हो गया है और कितने दिन से रैंक पुश कर रहे हो, पहले दिन से ही रैंक पुश करना मैं भी स्टार्ट कर दिया होगा आपने। और रही बात इसमें FPV, कुछ कुछ चीज़ें बता देते जो मेरे को एक पूरा नॉलेज है, कि रही बात जो आराम से बंदे कॉन्कर कर रहे हैं कि भाई 4-5 वीक तक हो जाएगा, तो ये सोच के बिल्कुल मत चलना, क्योंकि जो FPV में कॉन्कर की बात होती है वो ओनली भाई कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर तक मैचिंग चलती है। सो उसके अंदर आपको 1 वीक के अंदर कॉन्कर कर लेते हो तो आपको कॉन्कर आराम से मिल जाएगा। और रही बात 16 FPV कॉन्कर ईजी है, तो ये वहम है आप में तो ये मत पालना, बिकॉज ईजी कुछ नहीं होता ब्रो, सब हार्ड ही होता है। एंड सर्किल में आपको ओनली साउंड सेंस का गेम प्ले है FPV में। अगर आप ये सोच रहे हो कि TPP लेके किसी को मार दोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये TPP नहीं है ब्रो, इट्स कॉल टू FPP। और इसमें चिकन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं ब्रो, किल करके आप टॉप 10 करोगे ना तो भी प्यारा प्यारा प्लस मिल जाएगा, तो ये वाला फंडा है। अब तो भाई सामने एक बंदा था, उसको मैं मारने का ट्राई नहीं करता तो बहुत, बट नहीं होता मेरे से, नहीं मार पाता उसको क्योंकि मेरे को जोन में भी जाना था और मेन चीज़ है कि जोन के बाहर जब मैं हो गया तो फिर नो एंड सर्किल हो और आपके पास जोन ना हो तो फिर आपकी आप में एक अलग सीन बचती है। और एंड सर्किल में तो अगर आपको पता हो तो बनमानुस भागते ही, यानी जो फॉक्स है यानी जो भेड़िया वगैरह है वो भागते रहते, तो उनसे भी बचने का सीन पूरा पूरा करना पड़ता है। हालांकि मैंने इस वीडियो की लेंथ 4-5 मिनट की ताकि आप लोगों को बोर ना लगे, अब धीरे धीरे मैं वीडियो की लेंथ आगे बढ़ाते जाऊँगा जैसे आप लोग बोलोगे, क्योंकि आई नो 4-5 मिनट रैंक उस वीडियो ऐसी कुछ होती नहीं है, बट ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पर हल्का हल्का मेरा लेग भी हो रहा था अगर आपको दिखा हो तो इस चक्कर में बोला यार लेग हो रहा है और पता नहीं मैं निशा वैसे करके बनमानुस बन जाता हूँ। यहाँ पर आज थोड़ा सर्वाइव भी करता हूँ, वो सर्वाइव वाला पार्ट मैंने काट दिया और निकल जाता हूँ अपने जोन की ओर। लेट्स गो बॉय गो टू जोन, यहाँ पे 11 बंदे बचे। फिर मैंने बोला चलो भाई एक बंदा और, एक बंदा और कोई मर जाए
तब जाके देखता हूँ भाई, चलो भाई एक बंदा मर गया और टॉप टेन अपना हो जाता। अब नहीं यार, टॉप टेन आने के बाद क्या फंडा रहता है कि यार एक आधा खेल ना निकाल लो, बस यही फंडा रहता है, यही सोच के मैं यहाँ पे आता हूँ। और जस्ट मेरे ऊपर ये इरफान नाम का बंदा होता, ये बंदा एकदम किल विल कर रहा होता, तो मैं थोड़ा सा उससे एक कदम पीछे जाकर बीचों बीच मतलब एक पिलर जाके दूर पिलर रोकता हूँ ताकि उसके पास ना आऊँ, वो मेरे पे नेट वगैरह ना डाले। हालांकि वो भी मर जाता है, मैं स्पॉट वगैरह करता हूँ, पीछे से हल्का सा मेरे को फायर पड़ता है। और एंड सर्किल में देखो भाई, लेट ना तो मैं बिल्कुल भी प्रीपर नहीं करूँगी यार, अंदा लेट जाओ ऐसा नहीं बोलूँगा, थोड़ा बंदा स्पॉट किया करो। टॉप टेन हो गया फिर डरने की क्या बात है यार, एक आधा किल मिलेगा तो प्लस आपको ही तो मिलना है, ज़्यादा हो या कम हो तो फिर टेंशन का एक चीज़ की मेरी जान। तो एक आधा 2 किल 10 किल निकालने का ट्राई करो, 2-3 किल 10 किल ज़्यादा बोल दिया। सो भाई सामने एक बंदा होता है डीपी वाला बंदा, तो वो भी अच्छे खासे किल बटोरे जा रहा था, तो अपना काम भी तो है ना लाइक यू नो बटोरना। अब उसने लेफ्ट वाला एक जो बंदा था उसको इसने नोक दिया था और कहीं ना कहीं जोन भी आ रहा था, तो देखो पीछू से मेरे को भी पड़ी। हालांकि ट्राई किया करो जब अच्छे खासे आपके पास कॉइन हो जाए, तब ये वाली जो क्या बोलते इसको किट बोलते, जो हेल्थ रिवाइव होता है यार, हील किट जो भी वगैरह वगैरह जो भी इसको बोलते हैं, तो ये वाली किट उठा लिया करो क्योंकि काम आती है एंड सर्किल में। सो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं जाकर उठा लेता हूँ ये किट और हील करना स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज़ ये ज़रूरी है क्योंकि आपकी एक जीवनदान मिल जाएगा। अब सामने भी लेफ्ट में बंदा था, मेरे को पता नहीं था कि एकदम वो रॉकेटों के पास छुपा हुआ है, क्योंकि कोई बोल ही नहीं सकता, ये फारूक करके ठीक है सामने था। एंड अब इसकी जान में कैसे बचाता हूँ देखना, जान बचाना ही बोलते इसको, यानी बोलते ना देखो दूर वाले बंदे को नॉक करना और क्लोज वाले बंदे से मरना, तो भलाई का ज़माना नहीं, हालांकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब देखो मैं इसको स्पॉट कर रहा था यार, इसने नॉक कहाँ दिया, तो भाई देखो भाई साहब रॉकेट से पिच्छू से निकल के भाई साहब ऐसे आए और भाई साहब इन भाई साहब का फ़ायदा हुआ। हालांकि आपको वीडियो पसंद आएगा प्यारा सा लाइक कर देना, मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यहाँ तक देख रहे हो तो, और नई नई वीडियोज़ वगैरह आती रहेगी। आप लोग कमेंट करोगे, इस कमेंट का टारगेट है ओनली 35 का, करवा दो यार, अगर 35 लाइक हो गए तो।